बारिश के मौसम में पकोड़े तो बनने ही चाहिए, और प्याज के पकोड़ों से ज्यादा यम्मी और क्या हो सकता है। तो आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हर घर में अवेलेबल हो। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, मैंने 2 यूज किया है, आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो उसको लंबा लंबा काट लेना है। प्याज तो कट गए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज। तो ग्रीन चिलीज की जगह आप यूज कर सकते हैं चिली फ्लेक्स या फिर रोस्टेड रेड चिलीज, पर ग्रीन चिलीज का टेस्ट सबसे अच्छा आता है, तो यूज इट इफ यू हैव इट। ग्रीन चिलीज डाल दिया मैंने यहाँ। उसके बाद हम चाहिए अदरक और लहसुन, इसको भी छोटा छोटा काट लेंगे। चमकी चमकी छोटे छोटे अदरक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, पर अगर टाइम हो तो ऐसे ही करना, क्योंकि जब खाओगे तो पता चलेगा क्यों बोल रही हो ऐसे करना। तो अदरक भी डाल लिया हमने और लहसुन भी डाल देंगे। ओके, इसके बाद बस थोड़े से मसाले और हो गया। इसके बाद आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमेशा रब करके ही डालना चाहिए, तो अपने पाम्स के बीच में डालो, उसे थोड़ा सा रब करो और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। सिमिलरली कलौंजी और ब्लैक सीड को भी ऐसे ही डाल लेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ बेसन डाल रहे हैं, और 1 कप के लगभग बेसन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और देख लेना अपने अकॉर्डिंग जितना लगे ना। और फिर हींग 1 से 2 पिंच, करी लीफ पाउडर, यू कैन यूज करी लीव्स ऑल्सो और यू कैन स्किप इट, कम्प्लीटली ऑप्शनल, सो नो वरी। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, इसे पहले प्याज के साथ ही मिक्स करना है, उसके बाद पानी डालेंगे जब जरूरत होगी। नमक एज पर योर टेस्ट, थोड़ी सी हल्दी 1 से 2 पिंच, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस इसके बाद मिक्स कर लेंगे पानी डाल के। जितना पानी का रिक्वायरमेंट हो, ड्रेनी नहीं बनाना है हमें, इसे रनी नहीं होना चाहिए हमारा मिक्सचर, ऐसा होना चाहिए सेम। प्याज ज़्यादा दिखने चाहिए, बेसन कम दिखना चाहिए लगभग। तो बस तेल गर्म हो गया हमारा, तेल मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट फॉर पकौड़े, एनी काइंड ऑफ पकौड़े, और पर कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। बारिश होती है ना जैसे, तो कैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसा ही आवाज़ आना चाहिए जब हमारे पकौड़े तल रहे हों। बेस्ट इंडिकेशन कि पकौड़े हमारे सही तल रहे हैं। बस फिर क्या गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे, फिर खा लेंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट डन, यस निकाल लेते हैं अब। वाह, बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बने हमारे। सी बन गया, इजी था ना, बनाना ज़रूर। कमेंट करके बताना कैसे लगा ये रेसिपी और क्या बनाऊँ मैं। और अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डेफिनेटली लाइक इट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम।